तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जोमेटो पे अपने रेस्टोरेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जोमेटो से अगर रेस्टोरेंट को ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला है फूड लाइसेंस, दूसरा है GST और तीसरा है रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और डिश का इमेज। तो अगर आपके पास यहाँ पर फूड लाइसेंस ना है तो हम लोग यहाँ पर पहले फूड लाइसेंस बनाएंगे और उसके बाद जोमेटो से रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आपके पास यहाँ पर GST नहीं हो तो GST का कोई भी जरूरत नहीं होता है, विदाउट GST भी आपका रेस्टोरेंट ऐड हो जाएगा जोमेटो से। हम लोग विदाउट GST का ही रेस्टोरेंट ऐड करते हैं। और डिश का इमेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर डिश का इमेज नहीं लेते हैं स्टार्टिंग में। और मेनू कार्ड भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेनू कार्ड भी हम लोग यहाँ पर खुद से बना देते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर लॉग इन करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर OTP आएगा, तो आपको यहाँ पर OTP को इंटर करना है। और इसके बाद आपका यहाँ पर ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वह स्टार्ट होगा। और आपको यहाँ पर एक एक करके आपको यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से फिलअप करना है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ भी मिसमैच करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका रेस्टोरेंट रिजेक्ट होने का खतरा रहता है। तो हमने अभी तक यहाँ पे जितना भी रेस्टोरेंट ऐड किया है आज तक यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट यहाँ पे तक रिजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि हमने और भी ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया है जो ऑलरेडी एक एक महीने से रिजेक्ट हो रहा था। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि अगर आपका रेस्टोरेंट ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है तो भी आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपका रेस्टोरेंट यहाँ पर एकदम फ्रेश है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश रेस्टोरेंट होता है वो एकदम तुरंत लाइव हो जाता है। और अगर आपका कुछ अगर रिजेक्ट रहता है तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट का नेम देना होगा, रेस्टोरेंट का कंप्लीट एड्रेस देना होगा, रेस्टोरेंट का आपको लोकेशन देना होगा जिस लोकेशन से डिलीवरी बॉय फूड लेकर के जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, इसके लिए आपको OTP वगैरह जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि रेस्टोरेंट का ऑनर का फुल नेम और ईमेल ID आपको यहाँ पर देना होगा। और इतना देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे स्टेप में आपको बोथ डिलीवरी एंड डाइनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका क्लाउड किचन है तो आपको यहाँ पे केवल डिलीवरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपका रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन किस से रिलेटेड है, तो जिस भी टाइप का आपका यहाँ पे है उसके कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। और आपको यहाँ पे दो कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है मिनिमम। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में डिश का आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा कि आप यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डिश मिल जाएगा, लेकिन इन सभी में से आपको केवल दो आपको डिश सेलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको दो ही अलाउ है। तो आपको यहाँ पे दो डिश सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप यहाँ पे सेल करते हैं, जैसे कि बिरयानी वगैरह होगी आपका यहाँ पे, अगर बिरयानी स्पेशल बिकता है आपके बिरयानी रेस्टोरेंट में या क्लाउड किचन में तो उसको सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट का ऑपरेशनल आवर्स जो होता है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम, आप अपने रेस्टोरेंट को कितने बजे ओपन करोगे और कितने बजे तक आप यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट को क्लोज करने वाले हैं, वो सब आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ नीचे में ऑल डेज का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे सबको टिक कर देना है। और इसके बाद आपको फिर से नीचे में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे मेनू का इमेज अपलोड करना होगा। तो मेनू कार्ड आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं हो तो हम लोग यहाँ पे मेनू कार्ड खुद से बना देते हैं और एक प्रोफेशनल मेनू कार्ड बना करके उसको हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट का इमेज अपलोड करना होगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि रेस्टोरेंट का इमेज आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है फ्रंट से। और इसके बाद आपको यहाँ पे फूड का एक इमेज अपलोड करना होगा, तो आप जो चीज़ सेल करते हैं उस फूड का आपको यहाँ पे एक इमेज क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको भी अपलोड कर देना है, तो हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं। और इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और इतना सब कुछ करने के बाद अभी तक आपका यहाँ पे केवल एक ही स्टेप हुआ है, अभी आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट का एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। आपको स्टेप टू में फिर से आपको यहाँ पे इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठना है। अब आपको यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगेगा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपके यहाँ फिर से नीचे में लेट्स गो का ऑप्शन है, तो आपको इस लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और GST के विदाउट हो जाएगा, GST आपको नहीं चाहिए। और अगर आपने GST ले रखा है तो फिर आपको GST सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, क्योंकि आप पैन नंबर जैसे ही डालेंगे वैसे ही वह डिटेक्ट कर लेगा कि आपने GST इस नंबर से ले रखा है, इस पैन से GST लिंक है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नीचे में एक लेट्स गो का ऑप्शन है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपको जो भी फिलअप करना है वो सब आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको आपको ऐसे ही सेम टू सेम छोड़ देना है। और फिर आपको यहाँ पर नीचे में आना है अपलोड ऑनलाइन ऑर्डरिंग मेनू फोटो में, आपको यहाँ पर मेनू कार्ड को फिर से अपलोड करना होगा। और मेनू अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली ओके का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको नीचे में और भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है आपको उसको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपको ऑनर का डिटेल्स वगैरह फिलअप करना है, तो अगर आप यहाँ पे सेम जो आपने पहले फिलअप कर रखा था आपको उसको ही रखना है, तो आप यहाँ सिंपली सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना।
और इतना करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको यहाँ पे अपलोड करना हो, जैसे कि यहाँ पे पैन नंबर हो गया, पैन नंबर पे जो नाम है वो, पैन नंबर पे जो एड्रेस, वो आपको एड्रेस देना होगा, पैन नंबर आपके यहाँ से अपलोड करना होगा, पैन कार्ड का फोटो, और अगर आपका GST है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो का ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पर फूड लाइसेंस का नंबर देना होगा, आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट देना होगा और फूड लाइसेंस का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल में आपको अकाउंट नंबर देना है, दोबारा अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको IFSC कोड डालना है। और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे वेरीफाई अकाउंट पर, तो आपका यहाँ पर जो भी अकाउंट होगा जिस भी बैंक में, वह बैंक यहाँ पर आ जाएगा और जिस भी नाम से होगा वह नाम यहाँ पर ऑनर का आपको दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से फिलअप कर लिया है और इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पर किस चीज़ से रेस्टोरेंट को, मतलब ऑर्डर को मैनेज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल से ही ऑर्डर को मैनेज करेंगे, तो आपको यहाँ पे सिंपली मोबाइल सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको नीचे में यस का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर चाहे तो अगर लैपटॉप से यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर लैपटॉप वगैरह को यूज़ करके आप यहाँ पर हैंडल करना चाहते हैं जो भी ऑर्डर वगैरह आएगा वो सबको, तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप और लैपटॉप वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और POC में क्या होता है कि पेट पूजा वगैरह जैसे कि सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप मल्टीपल रेस्टोरेंट को एक ही साथ मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल से हर एक चीज़ हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आपको, तो आप यहाँ पे मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पूरा का पूरा दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे कितना परसेंट आपको लगने वाला है। देख सकते हैं 14% और 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे देना होगा जोमेटो को। और ये सब करने के बाद फाइनल आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पर जैसे ही सेंड पे क्लिक किए हैं, अभी जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का लिंक गया होगा, जहाँ पे आपको क्या करना है कि उसको आपको ओपन करके वहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना होगा, पैन कार्ड अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करके आपको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर हमारे थ्रू कराते हैं तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना होता है, आपको बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेज देना है और उसके बाद आपका यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो नंबर आपको डिस्प्ले दिख रहा है, आप यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं।